लंबे लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए हैं और अपने परिवारों से दूर है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो अपने घर पहुंचने की गुरहा लगा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के यहाँ 13 लोग हैं फंसे हुए, तांडवपेट लाल दरवाज़ा नागपुर में फंसे हुए 13 लोग, और पूरे नागपुर में कम से कम 12 से 13 हज़ार लोग फंसे हुए हैं। वो किसी भी तरीके से अपने अपने सरकारों से गुरहा लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वो हमारे घर तक पहुंचा दे। मेरे साथ थे वेस्ट बंगाल से कुछ लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वेस्ट बंगाल के कारागिर है जो यहाँ सिंधियों के लिए कपड़े तैयार करने के लिए आए थे, ड्रेसेस तैयार करने के लिए आए थे। वो ड्रेसेस तैयार करते हैं, लेडीज़ ड्रेसेस तैयार करते हैं, गए हैं वो अपने परिवार और बाल बच्चों से बिछड़ कर यहाँ फंसे हुए हैं, तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो हमें वेस्ट बंगाल के लिए बुला लिया जाए। इस स्क्रीन पर या इस टीवी पे आपको दिख रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो फंसे हुए लोग हैं उनके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल का हूँ, वेस्ट बंगाल का नंदीग्राम पूर्व मिदनापुर। हम लोगों की गाँव की नाम है सरवेड़िया, हम लोगों की जिला की विधायक की नाम है शेख साउद्दी। तो इधर की नागपुर वासी ने हम लोगों की जितनी मदद कर सके हम लोगों को किया, करने के बाद आज जो इन लोगों के पास भी उतनी है ही नहीं, इन लोगों की मतलब जितना था जहाँ तक था इन लोगों ने हम लोगों को कम ज़्यादा। काय के लिए नागपुर आए थे, किस काम के लिए आप नागपुर? मैं नागपुर आया था जैसे रेडीमेड की काम है, गवर्नमेंट्स की, रेडीमेड गवर्नमेंट्स की काम है, तो हम लोगों की सलवार सूट की लाइन है, हम लोगों की दर्जी की काम करता हूँ। कितने लोग आप आए थे वेस्ट बंगाल से? वेस्ट बंगाल से हम लोगों ने ना भी कहे तो हम लोगों की 10-12 हज़ार बंदे इधर नागपुर शहर में पूरी फंसा मतलब फंसे पड़े हैं लॉकडाउन के कारण। और आपके साथ कितने हैं अभी? मेरे साथ अभी 18 बंदे हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने कैसे भी कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस से कहीं कहीं में गया था जो जहाँ कह रहा था, एक तो भूख के कारण और बाहर लॉकडाउन चल रहा है, कितनी लट्ठी खाना पड़ रहा है पुलिस वाले के हाथ पे, फिर कहीं खाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, कहीं कुछ भी कह रहे, कभी पुलिस वाले मार रहा है, कभी मोहल्ले वाले कह रहा भगा रहा है, फिर भी हम लोगों ने कितनी ये करके मुश्किल से, कहीं भीड़ भड़क्का में जाने नहीं दे रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी हो रहा है, होने से भी भूख मारी के कारण हम लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जो कहीं कुछ भी मिले दाना, क्योंकि खाना तो पड़ेगा, काम वाम सब कुछ बंद हो चुका है। 15 दिन करीब हम लोगों के पास कुछ ना कुछ था, कैसे भी हम लोगों ने गुजारा कर चुका था, तो होने के बाद आस पड़ोसी वाले ने जो भी है इन लोगों ने थोड़ी सी मदद की। जिन्होंने इन लोगों की मदद की वो मेरे साथ है मुन्ना भाई MJ कार्गो वाले, वो उन्होंने इनकी काफ़ी मदद किया, ये उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने किस तरीके से इनकी मदद किया है वेस्ट बंगालियों? मदद ऐसा है, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ TNN 24 का, जो हम लोगों की आवाज़ जो है या इन हमारे भाई लोगों की जो आवाज़ है जो प्रशासन तक आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं मदद करने या इतना ही मदद कर रहा हूं कि मुझे मेरा एक तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और ये सलवार सूट से ही जुड़ा हुआ है, तो प्रशासन के तरफ से हम जो भी इनको मदद करा सकते हैं वो हमने कोशिश की है, कुछ लोकल लीडर से भी हमने सपोर्ट मांगा है और वो लोग कर भी रहे हैं। प्रशासन ने मदद की है इनकी? नहीं, अभी चालू है ना, अभी इनको भेजने का काम चालू है, तो पहले क्या प्रोसेसिंग जो है प्रशासन बोलता है हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट करो, जैसा इनके सारे डिटेल्स कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और इनका मेडिकल चेकअप, उसके बाद कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ पुलिस स्टेशन से मंगाया है या कुछ लोग डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं। तो हमने इनको क्या किया है, सिर्फ आसान कर दिया है कि सारे लोग, कुछ लोगों का कहना है 12 से 13 हज़ार ये अपने जो भाई है वेस्ट बंगाल वाले वो नागपुर में है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास 1200 लोग है, यानी हमने एक ही बोला है जिनके पास जो भी 30-40 लोगों का ग्रुप बनाइए और एक ग्रुप लीडर बनाइए, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास दीजिए। ये जिनकी तरफ काम करने के लिए आए थे उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है उनकी? कुछ पहले स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने मदद की है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी ने नहीं की है, ये सिंधी समाज की जितने भी दुकान है उन लोगों ने, कुछ लोगों ने इनकी मदद भी की और कुछ लोगों ने बोल दिया है कि हम मदद करने लायक नहीं है, हमारे से नहीं हो सकता है, कि इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है। अब ऐसी हाल में ये कोरोना से बाद में और भूख से पहले मर सकते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल कोलकाता वासी हमारा মমতা দিদির কাছে একটাই অনুরোধ করছি যে আপনারা আমাদের বাড়ি নিয়ে যাও, আমরা অনেক বাড়ির জন্য অনেক তড়পাচ্ছি, আমরা খেতে পাচ্ছি না, অনেক কষ্টে আছি আমরা, আমাদেরকে প্লিজ নিয়ে যান। মমতা সরকার আমাদের অনেক কষ্ট, আমাদের কাছে একটাই কথা, আমাদের নিয়ে যান, আমাদেরকে, আমরা অনেক কষ্টে আছি, আমরা খেতে পাচ্ছি না,
আমাদেরকে নিয়ে যান, আপনি এখান থেকে প্লিজ আমাদেরকে নিয়ে যান, আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি, খেতে পাচ্ছি না, অনেক কষ্টে আছি আমরা, আমাদের বাড়ি নন্দীগ্রাম, আমার অনেক বাড়ির মানুষরা ভাবে অনেক কষ্টে আছে, ওরা খেতে পাচ্ছে না, প্লিজ আপনার কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন যে আপনি নিয়ে যান আমাদেরকে, আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে, প্লিজ আপনি আমাদেরকে নিয়ে যান, প্লিজ আপনি নিয়ে যান, আমাদের অনেক কষ্ট, আমরা খেতে পাই না, আমাদের এত মানুষ আছে এই নাগপুরে, বাঙালি 10,000-12,000 মানুষ আছে। দুনিয়া মে কিতনা গম হ্যায়, মেরা গম কিতনা কম হ্যায়, লোগো কা গম দেখা তো মে আপনা গম ভুল গয়া। পবিত্র রমজান কি মহিনা হ্যায়, হাম লোগো না রোটি মিল রহা হ্যায়, না কুছ মিল রহা হ্যায়, না সহরি কে লিয়ে দো বক্ত খানা মিল রহা হ্যায়, না ইফতার কে লিয়ে সামান মিল রহা হ্যায়। হাম লোগো নে আজ ইতনি মুশকিল মে পড়া হুয়া হুঁ, মমতা সরকার নে আজ হাম লোগো কে লিয়ে সে জিতনে ভি ইন লোগো নে অ্যাপস খোলা, কই এক অ্যাপস হাম লোগো কি মমতা কি তরফ সে কই মতলব আচ্ছি অ্যাপস কই ভি নেই হ্যায়, কামিয়াব বালি আচ্ছি কি মতলব হ্যায়, কামিয়াব বালি কই এক ভি নেই মিলা। কেউ ইন লোগো নে কভি কেতা হ্যায় ইয়ে করেঙ্গে ও করেঙ্গে ইসমে করো উসমে করো, জব সে লকডাউন হুয়া এ কুদরতি কি খেল হ্যায়, মে মানা নেই কর রহা হুঁ যে ভাইয়া হাম লোগো কো লে যাও, মমতা সরকার নে ইয়ে তো কর সকতা থা হাম লোগো কে লিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল কে লিয়ে, আজ মমতা সরকার জো ভি কাম হ্যায়, মমতা সরকার কি জো ভি জানতা থা জো ভি পেহচানতা থা আজ কিস লিয়ে, আজ ওয়েস্ট বেঙ্গল কি কারণ মতলব নন্দীগ্রাম কি কারণ মমতা সরকার কো সবনে জানতা থা, তো আজ মমতা সরকার নে নন্দীগ্রাম বাসী কে লিয়ে ক্যা কর রহা হ্যায়, কুছ নেই কর রহা হ্যায়। ক্যা চাহতে হ্যায় মমতা ব্যানার্জি সে? মমতা ব্যানার্জি সে ইয়েহি চাহতা হুঁ মে, जो मैं हम लोगों ने तो फंस चुका हूँ बुरी तरफ, जो परदेश आया भूख की कारण, दो पैसे की खातिर भूख था तो पैसे ही उसी की वजह से मैं दो पैसे के कारण परदेश आया, तो अगर हम लोगों के पास ममता ने कुछ रोजगार देता तो परदेश आने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो ममता बनर्जी से यही कहना चाहता हूँ, जो आप लोग ममता बनर्जी आप जो भी करें, मैं नंदीगाम की वासी इस टाइम में। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या गुरु लगा रहा है सरकार से? यही विनती है मेरी, जो आप कुछ भी करें, हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस से इतने कुछ धक्का खाने के बावजूद सब कुछ कागज वागज सब ओके करके आज ही लाया, ये अच्छी तरफ से ममता सरकार गौर से देखना, आप लोगों की जितने भी टीएमसी की मतलब मेंबर कार्यकर्ता जित जो भी है, ये हम लोगों से आवेदन है यही, जो हम लोगों ने जितने भी वेस्ट बंगाल की लेबर मजदूर जो आज फंसे हुए हों, तो इसके लिए हम लोगों को कैसे भी ये इसकी पास करवा दे। मैं कलेक्टर से आज ही जाके धूप धूप में रमजान की मैंने मेरी मोबाइल नंबर है 8880399948, ये मेरी व्हाट्सएप नंबर भी है इसी में। तो एक ही चीज़ है, ममता सरकार को फिर दोबारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, ये चीज़ हम लोगों ने जो आज इतनी मुश्किल से कष्ट से जो ये कागज ओके करके लाया आपके पास से कलेक्टर ऑफिस से, आपके पास इसकी आरजी जाएगा, आप कैसे भी हो हम लोगों की ये आरजी मैं दोबारा भी दिखा रहा हूँ, आप पास कर देना। बिल्कुल सही कहा है कि कोरोना से तो बाद में मरेगा इंसान, पहले भूख से मर जाएगा। इतना लंबा लॉकडाउन होने के बाद अगर ये लोग इन्हें इनके घर तक नहीं पहुंचाया गया तो शायद कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले भूख से ही मर जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन अजीशा के साथ रिया शेख, नागपुर। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी देखते रहे TNN 24।